नमस्कार साथियों, डाइट मार्केट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा रही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का ये यूट्यूब चैनल, जहां जाते हैं आपके लिए हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो रेसिपी। जी हाँ, बात चली थी क्लास 12 की इंग्लिश कंपल्सरी बुक रेनबो की, जहां हमने चर्चा की थी हमारी किताब के पाठों पर, और आज हम ले रहे हैं लेसन 2। लेसन 2 का टेक्स्ट पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टेक्स्ट के साथ साथ हम उनमें आई हुए समस्याओं का भी यही समाधान करेंगे। लेसन 2 और रूम 10/8, यह कहानी K.S. दुग्गल की है। K.S. दुग्गल एक फेमस स्टोरी राइटर है। मैं थोड़ा सा इस कहानी को दोहरा देता हूं, संक्षिप्त में कहानी आपके सामने रख देता हूं। यह कहानी 2 पीढ़ियों के अंतराल की कहानी है। दुग्गल ने यहां पीढ़ी अंतराल की विभीषिका को दर्शाया गया है। इसमें एक परिवार है और उन परिवारों में हम किस प्रकार से अपने जो पूर्वज हैं या अपने एल्डर पेरेंट्स हैं उनके साथ हम किस प्रकार का बिहेव करते हैं और उसका क्या नतीजा होता है, यह इस पार्ट के अंदर बताया गया है। एक परिवार है मिसेज मलिक का परिवार, जिसमें मिसेज मलिक है, उनके पति हैं और उनका लड़का है, और लड़की इनके साथ साथ उनकी सास रहती है। तो वो किस प्रकार से मिसेज मलिक अपनी सास के साथ अपमानजनक व्यवहार करती है, उसके लिए अलग कमरा बनाने की बात करती है, और बाद में समय अंतराल के साथ जब समय बीत जाता है और वह खुद बूढ़ी हो जाती है और उसकी बहू आती है, तब वह कमरा जो है वह उसके लिए वापस तैयार होता है। इस प्रकार से K.S. दुग्गल ने इस कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इसमें खास करके जो पीढ़ियों के मध्य आ रहा अंतराल है, हम अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, बुजुर्गों के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं, वर्तमान की आधुनिक शैली जो है उस आधुनिक शैली को चुनौती देता हुआ ये पाठ है। बहुत अच्छा पाठ है। हम देखते हैं इसके टेक्स्ट को और उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत यहां से होती है। दिस रूम माइट बी 10x8, सेड मिसेज मलिक, पॉइंटिंग टू स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लिंग ऑन द टेबल बिफोर देम। यह कमरा 10x8 का हो सकता है। उस कमरे का जो प्लान था, जो नक्शा था, टेबल के ऊपर पड़ा था, उस नक्शे की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा। श्रीमती मलिक ने टेबल पर फैले हुए चौकोने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां पर 10x8 का कमरा हो सकता है। आगे देखते हैं। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड टू सजेशन। ये तीसरी बार थी जब मिसेज मलिक ने उस 10x8 के कमरे के बारे में पॉइंट किया था या संकेत किया था। अब देखिए, पूरी कहानी का जो आधार है वह 10x8 का एक कमरा है, जिसे श्रीमती मलिक जो है अपनी सास के लिए तैयार करती है और अंत में जाकर के वही कमरा उसके लिए भी तैयार होता है। इट सीम्स इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिजाइन द हाउस। आर्किटेक्ट बोलते नक्शा में इस मकान बनाने वाला वास्तुकार, वास्तुकार और श्रीमान मलिक भी वहां उस नक्शे के प्लान पर ध्यान दे रहे थे। तब
उसने लगातार 3 बार यह इंगित किया कि यहां पर 8x10 का एक कमरा बन सकता है। मिसेस मलिक वर गोइंग टू हैव अ हाउस देयर ऑन इन दिल्ली। मिसेस मलिक अपना खुद का एक मकान दिल्ली में बनाना चाहते हैं, यानी दिल्ली के अंदर वो अपना एक मकान बनाना चाहती है। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. उन्होंने कुछ समय पहले एक दिल्ली की फैशनेबल एक अच्छी कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीदा था, यानी मकान बनाने के लिए। Now that they were posted back in Delhi, अब उनकी पोस्टिंग वापस दिल्ली हो गई है। दे थॉट, दे किसके लिए आए हैं? मिसेज मलिक के परिवार के लिए। दे थॉट, वे सोचते हैं, दे माइट एज वेल हैव टू हाउस बिल्ट, कि उन्हें किसी भी तरह से दिल्ली में मकान बनाना चाहिए। 2 पैराग्राफ आपके सामने थे, यानी कि 8x10 के कमरे के लिए संकेत करते हुए प्लान बना रहे अपने पति और आर्किटेक्ट की तरफ इंगित करती है कि यहां पर 8x10 का कमरा बनेगा। कहते हैं कि श्रीमती मलिक ने उस समय पहले दिल्ली के एक फैशनेबल कॉलोनी में प्लॉट लिया था और उनका विचार था कि वो वापस अंततः दिल्ली में ही सेट हो जाएंगे, और वे ये सोच रहे थे कि दिल्ली में सेट होने के बाद में अपना मकान बना लेंगे। आगे देखते हैं, एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, इन हर हार्ट ऑफ दिल ही दिल में मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस। दिल ही दिल में या मन ही मन श्रीमती मलिक ने यह तय किया कि मकान पूरा होने के बाद में दे वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वे वापस दिल्ली में आकर के ठहर जाएंगे, वे दिल्ली में आकर के रहेंगे। इवन इफ अवर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, भले ही उनके पति का स्थानांतर दिल्ली से कहीं और भी हो जाए। Even other years, they were moved on new place. और हर वर्ष उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तबादला होता रहता है, तो स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। Now that the children were grow up, यानी वृद्धि करना, विकास करना, बड़े बनना, अब उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। It was not desirable to sit then from school to school, और अब यह उचित नहीं होगा कि उन्हें स्कूल दर स्कूल बार बार शिफ्ट किया जाए। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिसेज मलिक चाहती थी यह हो जाए, मिसेज मलिक कुड गो ऑल अलोन, तो वह चाहती है कि वह अकेली भी रह सकती है। सी वुड हैव हर मदर इन लॉ, उसके पास उसकी सास भी है फॉर कंपनी के लिए। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और इस बात को लेकर के मिस्टर मलिक को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति या ऑब्जेक्शन नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की रेनबो का पार्ट 2 रूम 10x8, जहां मिसेज मलिक जो मकान का नक्शा बनाए वहां पॉइंटिंग करते हुए यह बता रही है कि यहां पर एक 8x10 का कमरा बनेगा, और मिस्टर मलिक के बारे में कहा गया है कि मिस्टर मलिक का ट्रांसफर बहुत बार अनेक जगह होता रहता है, उन्होंने दिल्ली में एक प्लॉट ले रखा है और उनकी इच्छा है कि दिल्ली में एक मकान बना रहे ताकि इधर उधर उनको नहीं होना पड़े, और वह एट लास्ट वहीं सेटल होना चाहती है क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़े बच्चों को बार बार स्कूल दर स्कूल बदलना अच्छा नहीं होगा। तो आगे हम अगले सेशन में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक आपसे यह अनुरोध रहेगा
कि आप इस टेक्स्ट को वापस पढ़िए, वापस देखिए और आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी ठीक और आगे, धन्यवाद।